चलिए सरजील, मामले पर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रही। उसके गांव काको, जिला जहानाबाद, मलिक टोला, वहां से डिटेन किया और फॉर्मली फिर हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। फिलहाल इसको हम लोग वहां कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करके इसकी ट्रांजिट रिमांड ले रहे हैं और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते से दिल्ली लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहां ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट को पेश करके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें मोटा मोटी अभी हमारी टीम जो है एक बार पेश कर देगी और जब डिटेल्स होगा जो आपके साथ शेयर कर लेंगे। नहीं, सरेंडर पुलिस के पास कोई सरेंडर नहीं होता। सरेंडर अगर कोर्ट में सरेंडर कर जाते तो सरेंडर वाली बात कोई होती। एक्यूज कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात कोई नहीं है। सरेंडर कोर्ट के सामने होता है, पुलिस के सामने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। हर एक्यूज जो हमारे पास आए और वो बोले हम सरेंडर कर गए, सरेंडर नहीं, सरेंडर होता तो कोर्ट में सरेंडर करता। कितनी एफआईआर दर्ज है इसके खिलाफ? फिलहाल एक एफआईआर जो हमारे पास दर्ज है जिसमें कि 124 से 153 ए और सेक्शन 505 आईपीसी है, उसमें इसका ही रोल है क्योंकि इसकी ही वीडियो है। लेकिन आपको बता दें कि जो तीन मुकदमा और इन्वेस्टिगेट हो रहा है राइट्स का, जो एसआईटी क्राइम ब्रांच कर रही है, देखिए जो सेक्शंस लगे हैं उन सेक्शंस में अगर कोई आदमी ऐसी भड़काऊ भाषण देता है जिससे कि आप रायट कॉज करते हैं या गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ आप भड़काते हैं लोगों को, तो वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है। तो फर्दर एक बार हमें मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि इसके स्पीच का क्या रोल 13 तारीख और 15 तारीख के जामिया एनएफसी के राइट्स में है। सर, जो वीडियोज मिले आपने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है? सब्सिक्वेंट मैटर है वो। आसाम में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई है? मुकदमा और कहीं जगह दर्ज हुआ है, वहां से अफसर आए हैं। सर, जब यहाँ पर इसके खिलाफ एफआईआर होगी तो क्या ये बिहार में अपना गेटअप चेंज करके रह रहा था? नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने एक प्रिलिमिनरी फोटोग्राफ आप लोगों के साथ शेयर किया, हमें नहीं लगता कोई गेटअप चेंज किया। इट इज टू प्रीमेच्योर टू स्टेट एनीथिंग ऑन दैट। आई हैव नॉट टॉक्ड टू हिम पर्सनली, एज यू नो इज इन जहानाबाद, द फोन सिग्नल्स आर वेरी वीक देयर। So somehow able to manage to talk to my officers. One, he is produced before us, then we'll come back to you. Background ये computer science में इसने IIT Bombay से कोई वो किया है, CS कर रखा है और फिलहाल JNU में कोई PhD कर रहे हैं। Sir, it's a very good work, good achievement of Delhi Police का आपने arrest किया। यहाँ पे और भी बहुत सारे speeches अभी आ रहे हैं जो काफी भड़काऊ type के लग रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर। That is beyond my jurisdiction right now. I'm focusing on this case. Thank you. तो सरजील इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब कहीं ना कहीं साफ तौर पूछताछ की जा रही है और जानकारी प्राप्त की जा रही है कहां कहां उन पर क्या क्या केस दर्ज है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के पास केस दर्ज हैं, वीडियो था उसमें प्रमाण रहा और जो कि उसका कहना है कि हमने सरेंडर किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरेंडर नहीं किया गया, सरेंडर कोर्ट में होता है, यहाँ सरेंडर नहीं हुआ, यहाँ सर पर गिरफ्तारी हुई है।